Myself is Ritu Gupta, mother of Rachit Kumar. Rachit Kumar joined FIITJEE 3 years back. 3 years ka classroom program. One of my known, he gave, his son joined FIITJEE Faridabad. And then I came to know about FIITJEE Faridabad. Before that, we are not able to know. Kuch pata hi nahi tha Faridabad ke baare mein, ki Faridabad hum naye the, so कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर कहाँ फिटजी है. देन आई केम टू नो अबाउट इट कि यहाँ पर एक फिटजी है. इट्स वेरी गुड. वहाँ के टीचर्स दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल. और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक्स जो भी होता है तो वो बच्चे के बताते हैं पेरेंट्स के बारे में. और कभी जब बच्चा ज्वाइन नहीं करता है, क्लास में नहीं आता है, तो दे यूज़ टू कॉल इट ऑल्सो. तो वो भी है कि आपको कभी ऐसा नहीं है कि बच्चा आपका घर से गया है फिटजी के लिए लेकिन वो स्कूल नहीं पहुँचा है, कॉलेज नहीं पहुँचा है. तो वो भी यही पूरा डे टू डे वो कंफर्म करते हैं कि आज आपके बच्चे ने ज्वाइन किया या नहीं किया या क्यों नहीं आया, कंफर्म करते हैं वो पेरेंट्स से. तो दैट इज़ आल्सो वेरी गुड कि वी आर एबल टू नो कि हाँ भाई हमारा बच्चा फिटजी ही जा रहा है, कोचिंग ही जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है. और उसके साथ साथ उसकी पूरी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत है, या कहाँ चीज़ आपकी, कौन सी चीज़ बहुत कम है, प्रॉब्लम है कहीं पे आपके, किस चीज़ में आपका कोई दिक्कत आ रही है, जहाँ पे आपका पीछे से ही पूरा उसके बारे में कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है. तो वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फिटजी फरीदाबाद हेल्प करता है बताने के लिए. और टीचर्स जो हैं आपके, जब आपको ज़रूरत होती है बच्चे को तो वो उसको पूरा सपोर्ट करते हैं. सपोज़ रात में वो क्वेश्चन कर रहा है और उस टाइम उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, रात को वो 11 बजे है या 12 बजे है, तो इमिजिएटली ही कैन कॉल इट. और वो उसी टाइम, कभी टीचर का ये नहीं रहा कि नहीं हम नहीं बता सकते या अब बहुत लेट हो गया, चलो कल डिस्कस करेंगे या कल आप सेंटर पे आ जाना, बट वो इमीडिएटली उसका जो भी उसका कन्फ्यूजन क्लियर होता है तो वो क्लियर कर देते हैं. उसके उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम बच्चा उसके आगे वो चीज़ को कंटिन्यू कर पाता है जो हम, नहीं तो क्या होता है बीच में कई बार क्वेश्चन पे वो बच्चा अटक गया और उसमें वो 1 घंटा या 1.5 घंटा पूरा अपना वेस्ट कर लेता है. और वो जब तक बच्चों के साथ होता है कि जब तक वो उसको कंप्लीट नहीं करता तो वो आगे कई बार नहीं बढ़ पाता है कि नहीं इसको तो आज मुझे निकाल कर ही सोना है, तो ये सॉल्व करना है. तो इस तरह से प्रॉब्लम जो होती है वो कोई दिक्कत कभी नहीं आई हमको. और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया क्योंकि उसकी जो बैकग्राउंड, कहीं पे कोई वीक पॉइंट था, वीक एरिया था, उसको पूरा मोटिवेट करके प्लस उसके सारे जितनी भी प्रॉब्लम थी उसको क्लियर आउट करके, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया प्लस उसकी बेस मजबूत हो गई, तो जिसकी वजह से वो आगे उसको कोई भी चीज़ को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आई. बेसिकली यहाँ पे जो बैच है वो काफ़ी छोटे होते हैं तो टीचर्स इजली 1-to-1 जो भी बच्चे की प्रॉब्लम होती है वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं. और उनका कोई हिच भी नहीं रहती है कि हम बहुत सारे कई बार बच्चों के साथ टीचर्स अटेंशन नहीं दे पाते हैं. तो फिटजी फरीदाबाद में जो टीचर्स हैं वो बेसिकली बैच छोटा होने की वजह से और टाइम टू टाइम कॉम्पिटिशन क्वेश्चंस जो इनके टेस्ट होते रहते हैं उसकी वजह से वो पता करते रहते हैं कि बच्चा कहाँ लेवल पे आया, कौन सा उसका वीक एरियाज़ है अभी भी और कौन सा उसके पॉजिटिव एरियाज़ है, जहाँ स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और कहाँ उसके जो वीक एरियाज़ है किस किस पॉइंट पे उसको ज़्यादा अच्छे से अभी ही ज़रूरत है हेल्प की. तो वो वीक एरियाज़ को फाइंड आउट करके और उसके बारे में पूरे उसकी उसका सॉल्यूशंस निकालते हैं. की वजह से ही रचित को NTSC में सिलेक्शन हुआ, उसका बहुत अच्छी रैंक आई. KVPY में ही सिलेक्टेड सिलेक्शन हुआ. उसके बाद उसने बहुत सारे ओलंपियाड्स में उसका सिलेक्शन हुआ. इवन नेशनल ओलंपियाड के लिए भी वो तीनों में, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में उसका सिलेक्शन हुआ. ऑल ओवर फरीदाबाद एंड ऑल ओवर स्टेट में वो फर्स्ट पोजिशन उसकी रैंक आई. बींग अ वर्किंग पेरेंट्स तो वी डिडंट गिव टू मच टाइम टू हिम, बट फिटजी फरीदाबाद ने उसको पूरा टाइम दिया और जो भी हमारे वीक एरियाज थे उसने उसको पूरा सपोर्ट किया, पूरा हेल्प किया, और जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया. और यहाँ पर उसको इवन इतने ज़्यादा रेगुलर टेस्ट हुए जिसकी वजह से उसको जो टेस्ट फोबिया था वो भी पूरा ख़त्म हो गया, कि रेगुलर टेस्ट देते देते बच्चे को एक हैबिट सी आ गई, प्लस कि किस मेंटल लेवल पे उसको रहना है और क्या उसको रेगुलर वे में करना है. प्लस एज ए मदर हमने कोशिश की कि एज ए पेरेंट्स ऑल्सो कि हम उसको पूरा कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करें, पढ़ाई के रिलेटेड, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड हो चाहे खाने का, और थोड़ा सा उसका हर चीज़ का ध्यान देना है
कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी फेस पे हो, क्योंकि कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है वो बच्चे का मेंटल लेवल पूरा डिस्टर्ब कर देती है और वो वहीं पे थोड़ा सा लैक हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज ए पेरेंट, और उसका फुल सपोर्ट चाहिए उसको। खाली वो अकेला ही नहीं, पढ़ाई के बूते पर ही नहीं कर पाता है, बल्कि उसको फुल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत फ्रेंडली चाहिए कि कहीं पे उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको शेयर कर सके, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई और भी। सपोज़ उसको प्रॉब्लम बाई चांस आ रही है, तो वी शुड गिव अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू आवर किड्स सो दैट इन फ्यूचर दे विल गेट अ वेरी गुड गुड रैंक एंड दे विल अचीव देयर वॉट एवर दे आर जस्ट थिंकिंग, लाइक दे आर जस्ट वॉन्ट टू गेट CS और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, वॉट एवर द ब्रांच, बिकॉज नाउ डेज ओनली जस्ट क्वालिफाइंग एन IIT इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट जॉब, इट्स अ गुड रैंक इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज यू कुडंट गेट योर स्ट्रीम इफ यू डिडंट गेट अ गुड जॉब अ गुड रैंक। तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि हमें बच्चे के हिसाब से पूरा ध्यान उसका देना चाहिए, प्लस एक हेल्दी एटमोसफियर क्रिएट करना चाहिए, जो हमें फिटजी फरीदाबाद की वजह से मिला। एज ए वर्किंग पेरेंट हमने नहीं उतना दे पाते थे उसको, अटेंड नहीं कर पाते थे उसकी बींग, जबकि मैं साइंस टीचर हूँ, मैथ्स टीचर हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसको उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने उसको काफ़ी सपोर्ट किया, और उनकी वजह से जो मुझे लगता है जो उसको चाहिए था वो मिल गया और काफ़ी सपोर्ट किया हमारे लिए। जैसे मेरा बच्चा रचित इतना अच्छा परफॉर्म किया पर फरीदाबाद FIITJEE की वजह से, तो ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चे का यहाँ पर एडमिशन कराएं, जिससे कि वो भी उसी की तरह से एक बहुत अच्छा इंसान बने, साथ में एक IIT में उसकी बहुत अच्छी रैंक आए, और जो उनका स्ट्रीम है, जो उनके मन में है इच्छा, वो उनको स्ट्रीम उनको मिल पाए। जब ये IIT का फॉर्म भरा जा रहा था तो मेरे बेटे के पास आधार कार्ड तो था बट वो नया नहीं था, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी फॉर्म फिल करने में, और हस्बैंड मेरे बाहर रहते हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैं फिर यहाँ FIITJEE फरीदाबाद में आई, और जब यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मैंने बात की, तो इमिडिएटली उन्होंने फ़ोन किया उसके प्रिंसिपल सर को, और अपनी गाड़ी उन्होंने मुझे दी, प्लस ड्राइवर दिया, प्लस साथ में एक बंदा दिया जो मेरे साथ आधार कार्ड के लिए गया, और ही स्पेंड मोर देन 2 आवर्स विद मी, और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो वहाँ से हिले नहीं, और उसके बाद मुझे वापस मेरी गाड़ी तक ड्रॉप करके फिर वो गए। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द FIITJEE फरीदाबाद कि दे हेल्प मी अ लॉट रियली। एट दैट टाइम आई वॉज लिटरली अ हेल्पफुल बिकॉज आई एम अलोन एंड माई हस्बैंड इज़ नॉट हेयर, तो इट्स क्वाइट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी जस्ट टू कॉन्टैक्ट एनी बडी नोन टू हर टू दिस रिलेटेड टू दिस आधार कार्ड। तो मुझे वाकई में लगता है कि कहीं पे भी आपकी अगर पर्सनल भी प्रॉब्लम है तो जो यहाँ के FIITJEE फरीदाबाद के जो लोग हैं वो आपकी हर जगह हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये कभी मतलब महसूस नहीं हुआ कि नहीं आप अकेले हो तो आप बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे। तो आई एम रियली थैंकफुल टू FIITJEE फरीदाबाद और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं उनका सबका मैं सच्चे मन से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे बच्चे को इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया। थैंक यू FIITJEE फरीदाबाद, थैंक्स अ लॉट, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे बच्चे को इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया कि जहाँ पे मुझे बहुत गर्व हो रहा है। और मैं शायद सारे पेरेंट्स से यही करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है थोड़ा भी आपके बच्चे के अंदर कैलिबर है तो आप FIITJEE फरीदाबाद में ज्वाइन कराइए, और वो वहाँ पर उनको तराश देंगे जैसे हीरे की परख जौहरी को होती है। हमें शायद जितना नहीं पता उतना बच्चे के बारे में क्योंकि हम उस फील्ड में इतने नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो उसको परख कर उसी हिसाब से जिस फील्ड में उसका है उसको ही करते हैं पूरा। तो आई अगेन लास्टली आई अगेन वॉन्ट टू से थैंक यू FIITJEE फरीदाबाद, थैंक्स अ लॉट।